वर वेडियो कतर आपसे मुखातिब है सैफुररहमान से आज का दूसरा नशरिया समातरमाइये इब्ताम पेशा खदमत है अहम खबरों का खुलासा साहिब समूब अमीर और जमहूरियावाटोरियल गिनी के सदर के दरमियान आज सरकारी मुजाकर हुए हैं साहिब स्मूभ अमीर और त्यूनस के वजीर आजम ने दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुक और उन्हें मजीद फरोग देने के वसाइल का जायजा लिया है शैख़ा जवाहिर बिन सहेम आलसानी ने कतर यूनिवर्सिटी में नुमाया पोजिशन हासिल करने वाली तालिबात की तकरीब तकसीम असनाद की सरपरस्ती की है और मजलसूरा ने वतन की इज्जत और सरबुलंदी के लिए साहिब स्मुभ अमीर की पैहम कोशिशों की तारीफ की है सामने यह था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफसल नशरिया साहिब इसमु अमीर शेख तमीम बिन हमद आलसानी और जमहूरिया गिनी एक्वाटोर के सदर ट्यूडोर ओबियांग के दरमियान आज दीवान अमीरी में सरकारी मजाक हुए हैं। साहिब स्मुभ अमीर ने मजाक की इब्तः में सदर मोहतरम का खैर मकदम किया और यहां उनके बेहतरीन कयाम और मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा ताल्लक के मजीद फरोग की ख्वाहिश का इजहार किया एक्वाटोरियल गिनी के सदर ने उनके बेहतरीन इसकबाल और मेजबानी पर साहिब इसमुब अमीर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनका मुल्क कतर के साथ तमाम तर शोबों में बाही ताल्लुक का मजीद फो चाहता है जिससे दोनों मुल्कों के मफादात पूरे हों साब इसमुब अमीर शेख तमीम बिन अहमद अलसानी से आज दीवान अमीरी में बिरदर मुल्क जमहरिया त्यूनस के वजीर अजम और काय मकाम वजीर दाखिला जनाब हिश्या अलमिशीशी ने मुलाकात की आज की इस मुलाकात में दो तरफा तल्लत उन्हें फरोग देने के वसायल और मुश्तरिका दिलचस्पी के इलाकई और बैनवा मसाइल पर गुफ्तगु की गई साहिब स्मभ अमीर की अहलिया अशैखा जवाहिर बिन हमद बिन सहेम आलसानी ने आज कतर यूनिवर्सिटी के सन 2020 में फारग तहसील होने वाले तैतालीसवें बैच में नुमाया ने हासिल करने वाली तालिबाद की तरीब तकसिम असना की सरपरस्ती की शेखा जवाहि ने इन नुमाया पदिश ने हासिल करने वाली तीन सौ चौहत्तर तालिबात को इनामत से भी नवाजा जबकि मुख्तलिफ मुख्तलिफोबों से फारग तहसील होने वाली तालि की कुल तादाद दो हजार चार सौ पचपन है यूनिवर्सिटी के सरबराह डॉक्टर हसन राशिद अदिरहम ने शेखा जवाहिर को साइंस एंड इकोनॉमिक कॉलेज से आला तालीम की डिग्री हासिल करने पर एजाज से नवाजा मजरस शूरा ने आज उसके स्पीकर जनाब अहमद अच्छा बिन अब्दुल्ला बिन, अच्छा बिन जयद आल महमूद की सदारत में होने वाले अपने मामूल के हफ्तरुदा इजलास में साहिब इसमुब अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी की उन मुसल और पैहम कोशिशों की तारीफ की है जो वो वतन की इज्जत और सरबुलंदी और शहरियों और उनकी अगली नस्लों की खुशहाली के लिए कर रहे है इन कोशिशों में सर फहरिस्त सन दो हजार तीस के कौमी तसवर यानी नेशनल विजन की तैयारी और उसका निफाज है शूरा ने मनसूबाबंदी और शुमारियात की अथॉरिटी के सरबराह डॉक्टर साल बिन मोहम्मद अन् नाबद की जानब से ट्वेंटी थर्टी के नेशनल विजन को पूरा करने के लिए मुल्क की कोशिशों की तफसी और इस वक्त दरपेश रुकावटों के बारे में मालूम हासिल की और फिर अपनी सिफारशा काबीना को रवाना करने का फैसला किया जिनके जरिए वो कौमी तसवर तो की तकमील की कोशिशों में हिस्सा ले सकती है और इस तरह जो रुकावटें भी दूर की जा सकें उन्हें हटा दिया जाए बरादर मुल्क जमहूरियत ट्यूनस के वजीर आज़म और कायम वजीर दाखिला जनाब हिशाम अल से आज नायब वजी वजी खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान आलसानी ने मुलाकात की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुका और लीबिया के हालात का जायजा लिया गया दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलि शोबों तौर पर सरमाकारी और अकतदियात के शोबे में ताल्लुकाता के फरोग की ख्वाहिश का इजहार किया है वजी ने त्यूनसी अवाम की मदद पर कतर का शुक्रिया अदा किया नायब वजी आजम और वजी खारजा ने एक मरतबा फिर कहा कि कतर बिरादर त्यूनसी अवाम की मजीद तरक्की के लिए उनकी मदद करता रहेगा कतर ने जापान की वासीदा यूनिवर्सिटी में इस्लामी इलाके की स्टडीज की चेयर कायम किए जाने के इकदाम को बहुत कीमती बताया है ये अमल जापान के साथ साइंसी अकेदेमिक और तहकीकत के शोबों में ताउन के फरोग के लिए साहिब अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी की हिदायत के नफाज का नतीजा है जापान में कतर के सफीर जनाब हसन बिन मोहम्मद रफी अल एमदी ने वीडियो कम्युनिकेशन के जरिए इस चेयर के क्याम की तकरीब में शिरकत की है वजारत सेहत आमा ने बताया है कि मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद दो सौ अट्ठाईस केसेज रजिस्टर हुए हैं और मजीद तीन सौ उनतीस बीमार सेहतियाब हो गए हैं इस तरह यहां इस बीमारी से शिफा पाने वालों की मजमू तादाद अब दो लाख तेरह हजार तीन सौ छत्तीस हो गई है दो और मरीज भी वफात पा गए हैं उनकी उम्रें छप्पन और पिचहत्तर बरस थी मुल्क में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी वैक्सीनेशन की कौमी मुहिम में गुजत चौबीस घंटों के दौरान 30,608 हजार डोजेज दी गई हैं, जिसके बाद अब तक दी जाने वाली डोजेज की कुल तादाद दो मिलियन पांच हो गई है माविन वजी खारजा और वजारत खारजा की सरकारी तर्जमान मोहतरमा लूलवा बिन राशिद अलखातर ने कहा है कि गजा की महसूर पट्टी पर इसराइल की जारहियत बिल्कुल बेजोड़ है और इसराइल इस दौर की आखिरी इस्तेमारी ताकत है उन्होंने बताया है कि कतर 45 रिहायशी यूनिटों को दोबारा तामीर करेगा जिन्हें इस काबिज ने गजा पर अपनी जारहीत में तबाह कर दिया है वो बरतानिया के स्काई न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे रही थी मिस्री सुरागरसानी रसानी के सरबरा अब्बास कामिल ने गजा की पट्टी में फिलिस्तीनी ग्रुपों की क्यादत के साथ मुलाकात की है जबकि इससे पहले अब्बास कामिल से गजा की पट्टी में हमास तहरीक के कायद याहिया असंदवार की क्यादत में हमास तहरीक के एक वफद ने मुलाकात की थी ये सिफारती सरगर्मियां ऐसे वक्त में शुरू की गई हैं जबकि इसराइली वजी खारजा गाबी अशकनाजी ने काहिरा का दौरा मुकम्मल कर लिया है और इस दौरे में जोर देकर कहा गया है कि फायरबंदी के ऐलान के बाद अब तामीरात जरूरी हैं और ऐसी तमाम कार्रवाइयां बिल्कुल रोक दी जाए जिनसे हालात में कशीदगी पैदा हो तरिया फिलस्तीनी वजर आजम मोहम्मद अश्तिया आज से खलीजी दौरा शुरू कर रहे हैं जिसके पहले मरहले में वो आज क्वेत जा रहे हैं और ईरान की वजारत खारजा के तर्जमान सईद खतीब जादा ने ऐलान किया है कि उनके मुल्क और छह आलमी ताकतों के दरमियान एटमी समझौते को दोबारा बहाल करने के मुकर में वाज पेशरफ हुई है लेकिन कुछ बुनियादी मसाइल अभी हल होना बाकी है। एक गैर मामूली वाक यह हुआ है कि एनर्जी की मालूम के अमरीकी इदारे की रिपोर्टों में बताया गया है कि अमरीका ने एनर्जी के ईरानी शोबे पर लगी हुई पाबंदियों के बावजूद भी ईरानी खाम की एक नादर खेप अपने यहां इम्पोर्ट की है आज के ये नशरिया खत्म होने से कबिल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर समाप्त साहिब इसम अमीर और जमहूर गिनी एक्वाटोर के सदर के दरमियान सरकारी मुजाकर हुए हैं साहिब इसमू अमीर और त्यूनस के वजीर आजम ने दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुक और उन्हें मजीद फरोग देने के वसाइल का जायजा लिया है शेखा जवाहिर बिन सहेम ने कतर यूनिवर्सिटी में नुमाया पदिश ने हासिल करने वाली तालिबात की तकरीब तकसीम असनाद की सरपरस्ती की है और मजलिस शूरा ने वतन की इज्जत और सरबुलंदी के लिए साहिब समूह अमीर की पैहम कोशिशों की तारीफ की है रेडियो कतर से आज का दूसरा नशरिया अपने अख्ताम को पहुंचा अगला नशरिया कल सुबह नौ बजे पेश किया जाएगा अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूँ शेख नवर मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी इसी तरह कतर अपडेट आते रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल गपशप शेख YouTube यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए थैंक यू